गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। मैं अविनाश मानिकपुरी अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। और आज हम क्लास 10th चैप्टर 3 इंडस्ट्रीज़ इन इंडिया का पार्ट 3 लेकर प्रेजेंट हुए हैं। प्रीवियस दो पार्ट मैंने इस चैप्टर के बना चुका है, ठीक है। आज जो हम स्टडी करने वाले हैं इस पर, वो है मीन्स फॉर इन्हेंसिंग द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, ठीक है, कि एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का इन्हेंसमेंट कैसे किया जाता है। सबसे पहले मैं प्रीवियस क्लास के टॉपिक पर आता हूँ, जहाँ पर मैंने आपको कॉस्ट इन्हेंसमेंट के बारे में बताया हुआ था कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ कॉस्ट इन्हेंसमेंट, ठीक है। तो कॉस्ट इन्हेंसमेंट के बारे में हमने क्या पढ़ा था कि कॉस्ट इन्हेंसमेंट कि एक ये जो एडवांस मेथड है बेटा, जिसको हम एडॉप्ट करते हैं, ठीक है, कि एडॉप्ट एडवांस मेथड फॉर ट्रांसफॉर्मिंग द शेप कलर क्वालिटी टेक्सचर, ठीक है। एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का हमने शेप चेंज किया, कलर चेंज किया, टेक्सचर चेंज किया, ठीक, और उसको जब हमने मार्केट में सेल किया तो वो ओरिजिनल फूड ग्रेन से हायर प्राइस पर बिकता है। इसी को हम कॉस्ट एनहेंसमेंट कहते हैं। ये आंसर आप अपने लैंग्वेज पे लिख सकते हैं, आपको पूरे नंबर्स मिलेंगे, ठीक है। चलिए आज जो हम देखते हैं वो है कि मीन्स फॉर इन्हेंसिंग द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस। इस पे देखेंगे, ये आपकी बुक के पेज नंबर 52 पर ये टॉपिक मिलेगा, जहां पर लिखा है कि द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मे बी इन्हेंस्ड बाय ट्रांसफॉर्मिंग द कलर शेप क्वालिटी एटसेट्रा। कि ट्रांसफॉर्मिंग हम कैसे कर रहे हैं, कलर चेंज करके, शेप चेंज करके, क्वालिटी चेंज करके, ठीक। ऑफ द एग्रीकल्चर प्रोड्यूस द कल्टीवेटर्स कैन अर्न मोर इनकम स्पेशली बाय मैन्युफैक्चरिंग द फॉलोइंग गुड्स, ठीक है। कि मैं कुछ गुड्स की लिस्ट यहां पर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। गुड्स का मतलब वस्तुएं होता है। मैं कुछ गुड्स की लिस्ट आपको दिखा रहा हूं यहां पर, आप देखेंगे, ठीक है, कि कैसे एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इन्हेंस किया जाता है। वेरी फर्स्ट नंबर पर लिखा होगा कि टू प्रिपेयर आटा एंड दलिया। यू नो वेरी वेल कि किस फूड ग्रेन से आटा और दलिया प्रिपेयर किया जाता है, एंड आप जानते हैं कि मार्केट में उसकी प्राइस क्या होगी। वही एग्जांपल यहां पर दिया हुआ है कि द प्राइस ऑफ मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट फ्रॉम व्हीट, ज्वार, बाजरा एंड मेज एटसेट्रा इज एप्रेसेंटली मच मोर देन द ओरिजिनल प्राइस ऑफ दीज फूड ग्रेन्स। कि इनसे बनने वाले, इनको इन्हेंस करके जो हम प्रोडक्ट बनाते हैं, इनकी ओरिजिनल फूड ग्रेन से हायर रेट पर मिलते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिया है एग्जाम्पल व्हीट का लिया है, कि यदि हम व्हीट देखें तो व्हीट का ओरिजिनल फूड ग्रेन का जो प्राइस है वो 14 रुपीज पर केजी है, लेकिन जब हम उनको इन्हेंस करते हैं, आटा में प्रिपेयर करते हैं, दलिया में प्रिपेयर करते हैं, तो वहीं पर दलिया आप देखें 28 रुपीज पर केजी मार्केट में अवेलेबल है, और आटा भी आप देखें तो 20-25 रुपीज पर केजी मार्केट में अवेलेबल है। तो हमने क्या किया, व्हीट को इन्हेंस कर दिया, प्रोडक्ट को इन्हेंस कर दिया, और उसका कॉस्ट जो है ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो गया। यही कॉस्ट इन्हेंसमेंट है, ठीक है। फिर इसके बारे में सबसे इसके बाद आप देखेंगे नीचे सेकेंड नंबर पर लिखा है बढ़िया एंड बिजोरे, ठीक है। ये बिजोरे को बाजरा लिखा हुआ है यहां पर, कि ये बिजोरा है बेसिकली, ठीक है। तो बड़ी और बिजोरे हम किससे बना रहे हैं, देखिए यहां पर कि बड़ी कैन बी प्रिपेयर्ड एट होम फ्रॉम द पल्सेस लाइक उड़द, मूंग, ग्रेनेट, एंड लाइक वाइज बिजोरे कैन ऑल्सो प्रिपेयर्ड फ्रॉम तिल एंड गायरिस पम्पकिन विच आर प्रोड्यूस इन द एग्रीकल्चरल लैंड, द गुड्स सो प्रिपेयर्ड कैन फेच मोर प्राइस इन द मार्केट, ठीक है। कि हमने कुमड़ा ले लिया, तिल ले लिया, दाल ले लिया, इनकी हमने बड़ी और भिजोरे यदि बनाए तो मार्केट में हायर प्राइस में सेल होते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर पर पापड़ है, ठीक, तो आप लोग इसमें थोड़ा थोड़ा देख लेंगे कि कैसे इन्हेंस किया जा रहा है। चिप्स है, चिप्स के बारे में लिखा है, ठीक है, ये पेज नंबर 53 पर आ गए हम। अब चिप्स के बारे में लिखा है कि चिप्स आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम पोटैटो, बनाना, अरबी, स्वीट पोटैटो एटसेट्रा, ठीक है। अब देखिए यहां पर कि पोटैटो को इन्हेंस कैसे किया जा रहा है हायर प्राइस में। तो द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ पोटैटो इज ₹8-10, वेयर द चिप्स आर सोल्ड एट द रेट ऑफ 8-10 पर 100 ग्राम। देखिए ये आपकी बुक के अकॉर्डिंग मैं बता रहा हूं, पर अभी मार्केट में इनके प्राइसेस डिफर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 8-10 पर केजी लिखा है यहाँ पर पोटैटो तो आपको मार्केट में इसी प्राइस में मिलेगा, मार्केट में इनके प्राइस डिफर कर जाते हैं, ठीक है। ये बुक के अकॉर्डिंग है कि इन्होंने बोला कि पोटैटो यदि 8-10 रुपये पर केजी आपको मिल रहा है, लेकिन आपने उन पोटैटोज का चिप्स बना दिया, ठीक है, तो प्रति 100 ग्राम यानी पर 100 ग्राम 10 रुपये का आपका चिप्स का पैकेट बिकेगा। और 1000 ग्राम्स में मतलब 1 kg में कितने ग्राम्स हो सकते हैं, 1000 ग्राम्स हो सकते हैं, ठीक है, 1000 ग्राम यानी 10 पैकेट्स चिप्स के बने, ठीक है। और एक पैकेट का रेट क्या बताया यहाँ पर, 10 रुपीज़, ठीक है। तो 10 पैकेट चिप्स का रेट क्या हो जाएगा बेटा,
100 रुपीज़, यानी आपने 10 रुपये का 1 किलो आलू खरीदकर आपने 100 रुपये का प्रॉफिट अर्न किया। ठीक है, 100 रुपये का प्रॉफिट नहीं होगा तो 90 रुपीज़ का प्रॉफिट होगा, और 90s भी नहीं, आपकी यदि मैं कॉस्ट को निकाल दूं, ठीक है, प्रोडक्शन कॉस्ट को मैं निकाल भी दूं, तो भी आप 40 से 50 रुपये का शुद्ध प्रॉफिट कमाएंगे। ठीक है, तो ये होता है कॉस्ट एनहेंसमेंट। अब यहाँ पर कुछ और प्रोडक्ट हैं जिनके नाम यहाँ पर लिखे हैं, मैं आपको बताते जा रहा हूँ। ठीक है, जैसे 5th नंबर पर लिखा है कि सॉस, केचप एंड चटनी, ठीक है, ये सारे टमाटर को इन्हेंस करके बनाए जाते हैं। 6th नंबर पर है अचार, मैंगो, लेमन, ठीक है, मार्मेडल्स यानी आंवला। 7th नंबर पर है जैम, जेली एंड मार्मेडल्स। 8th नंबर पर है स्क्वैश। 9th नंबर पर है गुलकंद, माउथ फ्रेशनर। 10th नंबर पर, 11 पर आपको देखेगा बटर, चीज़, घी एंड टोफू। एंड 12th नंबर पर है वर्मी शैली, जिसको हम सेवई बोलते हैं। तो कुछ चीज़ें हैं जिनको इन्हेंसमेंट करके मार्केट में हायर प्राइस पर सेल किया जाता है। ठीक है, तो इनमें आप छोटा छोटा पढ़ लेंगे बस, बाकी सब आपको पता है कि किन किन चीज़ों को इन्हेंस करके ये सारे प्रोडक्ट्स बनाए जा रहे हैं। नाउ 12th नंबर आप देखेंगे कि इन्हेंसिंग कॉस्ट बाय ड्राइंग प्रोसेस, इसको मैंने स्पेशली ऐड किया हुआ है यहाँ पर। ठीक है, कि देखेंगे आप क्या लिखा है इस पर, या आपकी बुक का ही नोट्स मैंने इस पर लिखा हुआ है। देखेंगे आप लिखा है कि सम वेराइटी ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स स्पेशली दोज हैविंग ग्रीन लीव्स आर इजीली प्रेशेबल। ठीक है, कि जिनके ग्रीन लीव्स होते हैं बेटा, यहाँ पर लिखा है कि सम वेराइटी ऑफ फ्रूट्स, कि कुछ फ्रूट्स और वेजिटेबल्स होते हैं जो ग्रीन लीव्स के होते हैं, वो इजीली पेरिशेबल हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, सड़ जाते हैं, गल जाते हैं। ठीक है, सच प्रोडक्ट, सच प्रोड्यूस कैन बी प्रिजर्व बाय ड्राइंग प्रोसेस एंड आल्सो प्रॉफिट बी अर्न देयर आफ्टर, दैट इज ग्रीन मेथी कैन बी ड्राइड एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कसूरी मेथी। ठीक है, तो इनको सड़ने गलने से बचाने के लिए हमारे पास जो प्रोसेस होती है उसको हम ड्राइंग प्रोसेस बोलते हैं, कि सुखाने की प्रोसेस जो होती है। लाइक यहाँ पर एग्जांपल दिया कि मेथी, ग्रीन मेथी जो आपको मार्केट में मिलती है, ठीक है, यदि उसको हम ड्राई करके, ठीक है, जो पैकेट्स में आता है आपने देखा होगा कसूरी मेथी के नाम से, वो कितना महंगा मिलता है मार्केट में। ठीक है, जबकि आप ग्रीन मेथी यानी मेथी की भाजी आप खरीदें तो बहुत सस्ते दामों पर आपको मिल जाती है। सेम लिखा है यहाँ पर नीचे कि मैंगोस इन द फॉर्म ऑफ अमचूर, आंवलास ड्राइड पीसेस इनटू आंवला पाउडर, द प्रोडक्ट आर सोल्ड एट हाई रेट्स इन द मार्केट एंड द कल्टीवेटर्स कैन देमसेल्फ अर्न द प्रॉफिट फ्रॉम दिस प्रोडक्ट। मैंगोस का आमचूर बना दिया, आंवला का आंवला पाउडर बना दिया, ठीक है, ड्राई करके, और ये मार्केट में हायर रेट्स पर बिकते हैं, जिनसे जो कल्टीवेटर्स होते हैं उनको ज़्यादा प्रॉफिट अर्न होता है। एंड नाउ लाइक वाइज द ड्राइड चिलीज स्टफ्ड विद द मिक्सचर ऑफ कर्ड एंड सॉल्ट एंड सम स्पाइसेस आर आल्सो मच लाइक बाय द कस्टमर। ठीक है, जैसे ड्राइड चिलीज, ठीक है, मार्केट में डिमांड कितनी है ड्राई चिलीज की, फिर स्टफ्ड है जो कि कर्ड और सॉल्ट को मिक्सचर करके बनाया जाता है, तो ये कस्टमर्स को लाइक भी होते हैं, कस्टमर को पसंद करते हैं, कस्टमर को पसंद आते हैं, और इससे इनकी सेलिंग मार्केट में बढ़ती जाती है, और जो कल्टीवेटर्स होते हैं वो ज़्यादा प्रॉफिट अर्न कर पाते हैं। ठीक है, तो ये तो था कि हम किन चीज़ों का कॉस्ट एनहेंसमेंट कर रहे हैं। अब देखेंगे आप नेक्स्ट सजेशन फॉर इन्हेंसिंग कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट, कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की कॉस्ट एनहेंसमेंट के लिए क्या क्या सजेशन हो सकते हैं। ठीक, तो ये आपके बुक के पेज नंबर 54 पर मिलेगा, जहां पर लिखा है कि फॉर एनहेंसमेंट ऑफ कॉस्ट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट सम यूजफुल सजेशंस एंड एफर्ट्स शुड बी मेड, द कल्टीवेटर्स कैन बी मेड कैपेबल फॉर एनहेंसिंग द कॉस्ट ऑफ देयर प्रोडक्ट बाय प्रोवाइडिंग देम विथ रिक्वायर्ड मनी, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड मैनेजमेंट स्किल। इन दिस रिस्पेक्ट द फॉलोइंग सजेशन डिजर्व केयरफुली अटेंशन। ठीक है, कि कुछ सजेशंस दिए हैं यहाँ पर कि कोई भी कल्टीवेटर्स है उनको कॉस्ट एनहेंसमेंट करने के लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। जैसे यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैंशन किया है कि मनी की जरूरत होती है, एजुकेशन की जरूरत होगी, ट्रेनिंग की जरूरत होगी, मैनेजमेंट की जरूरत होगी। ठीक है, तो यहाँ पर बोला कि फॉलोइंग सजेशंस डिजर्व केयरफुली अटेंशन, के कुछ सजेशंस दिए हैं जहाँ पर कल्टीवेटर्स को अटेंशन करना चाहिए, कल्टीवेटर्स के लिए हैं। ठीक है, कि कॉस्ट को एनहेंसमेंट कैसे किया जाए एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के। फर्स्ट देखेंगे, लिखा है यहाँ पर कि टू प्रोवाइड रिलेवेंट नॉलेज टू कल्टीवेटर्स। ठीक है, रिलेवेंट नॉलेज का मतलब सबसे पहले आप समझ लें कि व्हाट इज़ द मीन्स ऑफ रिलेवेंट नॉलेज। रिलेवेंट नॉलेज का मतलब ये होता है कि ऐसा नॉलेज जो उनके लिए प्रॉफिटेबल हो, जो उनके लिए फायदेमंद हो। ठीक है, तो ये आपकी बुक के पेज नंबर 54 पर देखेंगे, जहाँ पर इसके बारे में लिखा हुआ है कि द कल्टीवेटर शुड बी apprised of information regarding what type of crops are being grown by different cultivators in different area and in what ways the cost of their produce can be enhanced. ठीक है, कि cultivators को ये knowledge relevant knowledge देना कि different type के cultivators different जगह पर किस
तरह के क्रॉप्स को ग्रोन करते हैं और उनको इन्हेंस कैसे करते हैं, एंड नाउ व्हाट मटेरियल विल बी नीडेड द फॉर्म वेयर इट कैन बी मैनेज्ड एंड हाउ द नीड ऑफ रिक्वायर्ड मनी कैन बी फुलफिल्ड। और जो डिफरेंट जो दूसरे कल्टिवेटर्स होते हैं वो जब अपने प्रोड्यूस को इन्हेंस करते हैं तो उनके लिए मटेरियल्स कहाँ से उनको मिलता है, ठीक है, कितने मनी की उनको ज़रूरत होती है, तो ये सारा नॉलेज जो है वो कल्टिवेटर्स को प्रोवाइड कराना ही रिलेवेंट नॉलेज देना है। एंड दे विल बी एडॉप्ट दिस ओनली देन दे विल बी एडॉप्ट दीज मेजर्स फॉर द एकॉम्प्लिशमेंट ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इन द कंसल्टेशन सेंटर ऑफ फॉर Enhancing cost of agriculture produce should be established at various places. ठीक है, तो यही नॉलेज देने के लिए डिफरेंट प्लेसेस पर कंसल्टेशन सेंटर्स खोले गए हैं, इस्टेब्लिश किए गए हैं। सेकेंड नंबर आप देखेंगे टू मेक अरेंजमेंट फॉर नेसेसरी ट्रेनिंग। ठीक है, अब नॉलेज मिल गया उनको, अब ट्रेनिंग की ज़रूरत है। किस चीज़ की ट्रेनिंग, तो थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें कि ट्रेनिंग किस चीज़ पे ज़रूरत पड़ती है इनको, कि एडोकेट ट्रेनिंग टू कल्टिवेटर्स इज रिक्वायर्ड रिगार्डिंग प्रिपरेशन ऑफ सॉस जैम चिप्स एंड स्क्वायर्स। ठीक है, कि बेसिकली हर कल्टीवेटर्स को ये बनाना नहीं आता। ठीक है, इनको बनाने के बाद इनकी पैकिंग है, मार्केट में इनकी सेलिंग है, सब इन सारी चीज़ों की ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है। ठीक है, नाउ द थर्ड आप देखेंगे फाइनेंशियल अरेंजमेंट। अब देखिए कि पहला हो गया रिलेवेंट नॉलेज, दूसरा हो गया ट्रेनिंग, अब इसके बाद जरूरत पड़ती है फाइनेंशियल की, ये फाइनेंस की, पैसों की। तो फाइनेंशियल अरेंजमेंट पर देखेंगे लिखा है कि मनी इज नीडेड टू अंडरटेक वेरियस मेजर फॉर एनहेंसिंग कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, कि डिफरेंट एग्रीकल्चर प्रोड्यूस को इन्हेंस करने के लिए मनी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर लिखा है कि इट कैन बी मैनेज इन टू वेज, कि दो वेज में ये मैनेज कर सकते हैं। फर्स्ट है बाय प्रोवाइडिंग लोन एंड सेकेंड फाइनेंशियल एड। ठीक है, कि लोन के द्वारा और फाइनेंशियल एड के द्वारा इन कल्टीवेटर्स को मनी मिल सकता है। एंड नाउ कोऑपरेटिव सोसाइटीज देयरफॉर नीड टू बी फॉर्मड फॉर लोन पर्पस एंड द गवर्नमेंट शुड टेक स्टेप्स फॉर प्रोवाइडिंग फाइनेंशियल एड। ठीक है, बेसिकली इनके लिए कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाए गए हैं। ठीक है, और गवर्नमेंट भी इनको फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराने में हेल्प करती है। फोर्थ नंबर पर आप देखेंगे टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस। ठीक है, ये लीनियर स्टेप बाय स्टेप चलते आ रहे हैं हम, कि पहला रिलेवेंट नॉलेज मिल गया, दूसरा ट्रेनिंग मिल गई, तीसरा फाइनेंशियल अरेंजमेंट हो गया, अब चौथा है कि टेक्निकल असेसमेंट, कि टेक्निकली उनको स्ट्रांग होना चाहिए। तो देखिए टेक्निकल असेसमेंट में क्या लिखा है, पेज नंबर 55 पर देखेंगे आप कि सुटेबल टेक्निकल असिस्टेंस इज नीडेड फॉर पैकिंग एंड सेलिंग ऑफ फिनिश्ड गुड्स एंड ऑल्सो फॉर कीपिंग चीज टोफू एटसेट्रा फ्रेश। ठीक है, सो सुटेबल टेक्निकल असिस्टेंस शुड बी प्रोवाइडेड टू कल्टीवेटर्स इफ एंड व्हेन इट नीडेड। ठीक है, कि अब देखिए कुछ मार्केट में जो चीज़ें उनकी गुड्स फिनिश्ड हो गई यानी बन गई, अब टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत क्यों पड़ रही है उनको, कि उनकी पैकिंग के लिए। ठीक है, मार्केट में सेलिंग करने के लिए उनको, कि कैसे सेल किया जाए, कैसे उनकी पैकिंग की जाए। ठीक, तो बेसिकली चीज़ और टोफू जब बनाते हैं तो उनको फ्रेश रखने के लिए टेक्निकल असिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, तो गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है टेक्निकल असिस्टेंस जब कल्टीवेटर्स को चाहिए होता है, जब उनको ज़रूरत होती है। फिफ्थ नंबर पर आप देखेंगे लिखा है कि अरेंजमेंट फॉर सेल ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बाय इट्स पब्लिसिटी एंड प्रमोशन, यानी प्रचार प्रसार के द्वारा, कि पब्लिसिटी और प्रमोशन के द्वारा इन एग्रीकल्चर जो गुड, जो इनका एनहेंसिंग प्रोडक्ट है, उनको मार्केट में कैसे सेल किया जाए। तो देखेंगे यहाँ पर लिखा है कि नो इंडस्ट्री कैन ब्रिंग फ्रूटफुल रिजल्ट अनलेस इट प्रोडक्ट इज प्रोवाइडेड इजी एक्सेस टू अ सुटेबल सेल, कि कोई भी इंडस्ट्री फ्रूटफुल नहीं हो सकती, यानी फलफुल नहीं सकती, जब तक कि उसके प्रोडक्ट इजी एक्सेस ना किया जाए सेल के लिए। ठीक, एंड देयर बाय इनेबलिंग द प्रोड्यूसर्स टू अर्न एडोकेट प्रॉफिट, तभी एक प्रोड्यूसर जो है वो अच्छा प्रॉफिट गेन कर सकता है। नाउ द कल्टीवेटर्स कैन मेक एफर्ट टू इन्हेंस द कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बट दे डू नॉट फाइंड देम सेल्फ कैपेबल ऑफ मैनेजिंग द प्रॉफिटेबल सेल ऑफ देयर प्रोडक्ट। ठीक है, जो कल्टीवेटर्स होते हैं, बहुत से कल्टीवेटर्स ऐसे होते हैं जो कि कॉस्ट एनहेंसमेंट के लिए काफ़ी मेहनत करते हैं, लेकिन उसके बाद भी ये अपने आप को कैपेबल नहीं समझ पाते कि प्रॉफिटेबल सेल कर पाएँ। ठीक है, कि प्रॉफिटेबल सेल कैसे किया जा सकता है इनका। नाउ द गवर्नमेंट कैन हाउएवर मेक सुटेबल अरेंजमेंट फॉर सच सेल, तो गवर्नमेंट इन जैसे लोगों के लिए सुटेबल अरेंजमेंट करती है कि इनके प्रोडक्ट को सेल कैसे किया जाए। ठीक है, बाय इटसेल्फ और थ्रू द कोऑपरेटिव सोसाइटीज, बिसाइड दैट द गवर्नमेंट कैन ऑल्सो ऑर्गेनाइज एग्जीबिशंस एंड फेयर फॉर पब्लिसिटी एंड प्रमोशन ऑफ सच प्रोडक्ट, तो ऐसे लोगों के प्रोडक्ट्स के प्रमोशन के लिए, सेल के लिए, ठीक है, इनकी पब्लिसिटी के लिए गवर्नमेंट खुद या तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज की मदद से एग्जीबिशंस और फेयर ऑर्गेनाइज कराती है। ठीक है, जहाँ पर इनके
प्रोडक्ट को रखा जाता है, उनकी पब्लिसिटी की जाती है, उनका प्रमोशन किया जाता है ताकि ये इजीली सेल किए जा सकें। एंड नाउ नेक्स्ट देखेंगे इसी में नेक्स्ट पैराग्राफ, द एमपी गवर्नमेंट इज हाउएवर ऑर्गेनाइजिंग सच पब्लिसिटी प्रोग्राम एट वेरियस ओकेशन एंड एट वेरियस प्लेसेस बट इट स्टिल नीडेड एक्सपेंशन, कि जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है वो भी ऐसे प्रोग्राम्स डिफरेंट टाइप के ओकेशन पर कराती है, डिफरेंट प्लेसेस पर कराती है, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेंशन किया गया है कि इट नीड्स एक्सपेंशन, कि इनको और ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत है, ब्रॉड लेवल पर करने की जरूरत है। नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ देखेंगे, दस वी सी दैट द एनहेंसमेंट ऑफ कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस इज वेरी हेल्पफुल इन एलिवेटिंग द कंडीशन ऑफ द विलेज एंड विलेज पीपल। ठीक है, कि जो कॉस्ट एनहेंसमेंट किया जाता है एग्रीकल्चर प्रोड्यूस का वो विलेज के लिए, विलेज के पीपल के लिए काफ़ी अच्छा होता है, इनकी कंडीशंस, इनके लिविंग स्टैंडर्ड को सुधारने के लिए, इनको एलिवेट करने के लिए, यानी ऊंचा उठाने के लिए बहुत अच्छी मेथड है। एंड नाउ एंड इफ द गवर्नमेंट अंडरटेक्स सुटेबल स्टेप इन दिस डायरेक्शन इट विल सर्टेनली प्रूव हेल्पफुल इन द स्ट्रेंथनिंग अवर फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। और गवर्नमेंट ने यदि सुटेबल स्टेप लिया, ठीक है, इन चीज़ों को बढ़ाने के लिए, तो बहुत जल्द, ठीक है, हमारी जो फाइनेंशियल कंडीशन है उसमें स्ट्रेंथनिंग आ जाएगी, यानी हम फाइनेंशियली मजबूत हो जाएंगे और हमारी इकोनॉमिक, हम इकोनॉमिकली भी स्ट्रांग होने लगेंगे। ठीक है, तो ये तो था कॉस्ट एनहेंसमेंट से रिलेटेड सारी चीज़ें जो हमने पढ़ी हैं। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री एंड मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री के बारे में स्टडी करेंगे। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू सो मच।